हेलो स्टूडेंट्स, संस्कार टेक्निकल में आपका स्वागत है। हीट एक बड़ा टॉपिक है, उसमें हम लोग आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको बताऊंगा विशिष्ट ऊष्मा के बारे में और पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के बारे में, जिसके अंदर आपको गलनांक द्रव्यमानांक और द्रव्यमान में कैसे परिवर्तन होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और कुछ न्यूमेरिकल्स की जानकारी मिलेगी। तो क्लास का स्टार्ट में एक क्वेश्चन से करना चाहूंगा। देखिए, एक लड़का था, वो आइसक्रीम खा रहा था, बर्फ वाली आइसक्रीम, और आइसक्रीम पिघल रही थी। आपको उस आइसक्रीम का तापमान बताना है कि उसके आइसक्रीम का तापमान कितना था। आपके पास थर्मामीटर वगैरह कुछ नहीं, ठीक है? अगर आपको कोई आइडिया नहीं मिला तो थोड़ा सा ऑप्शन भी दे देता हूं। 0 डिग्री सेल्सियस से कम, बी 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, सी एग्जैक्टली 0 डिग्री सेल्सियस, और डी कोई निश्चित नहीं। मतलब डी ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि आपको जब तक थर्मामीटर नहीं मिलेगा तब तक आप देख के नहीं बता सकते हैं कि उसके आइसक्रीम का तापमान कितना था, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्लास के दौरान मिल जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो उसके अलावा एक और चीज मैं करेक्ट करना चाहूंगा, जब मैं वीडियो अपनी पिछली वीडियो देख रहा था तो वहां पर मैंने कहा था कि 0 केल्विन से कम टेम्परेचर नहीं होता है, उसको मैंने इंग्लिश में ठीक लिखा एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, लेकिन वहां पर मैंने गलती से परम तापक्रम लिख दिया था। इसको बोलते हैं एक्चुअली परम शून्य तापक्रम, शून्य लगाना मैं गलती से भूल गया था। 0 केल्विन को परम शून्य तापक्रम कहते हैं इंग्लिश में, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर कहते हैं। इससे कम टेम्परेचर प्रकृति में नेचर में नहीं होता है, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि मैंने बताया था कि ऊष्मा को किसी पदार्थ में देने से उस पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा के बढ़ने से कणों का जो वाइब्रेशन का स्पीड है वो ज्यादा हो जाता है और आपको वो देखने में गर्म लगती है। लेकिन यहां पर आपने कुछ अभी मेजर नहीं किया, न्यूमेरिकल नहीं बनाया। देखिए, न्यूमेरिकल बनाना और मेजरमेंट, चीजों को भौतिक राशियों को मापना, उनको कैलकुलेट करना इतना इंपॉर्टेंट होता है कि क्लास 9 में भी जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसका पहला साइड बुक्स में पहला जो चैप्टर होता है वो मेजरमेंट से ही रिलेटेड होता है। 11th में भी आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसका जो पहला चैप्टर होता है वो मेजरमेंट यानी मापन से ही रिलेटेड होता है। तो जब तक आप चीजों को मापेंगे नहीं तब तक उसका दैनिक जीवन में, रियल लाइफ में उसका यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो आज हम लोग इस चीज को मापेंगे। क्या मापेंगे? कि किसी पदार्थ का टेम्परेचर कितना बढ़ाने के लिए उसमें कितने ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, ठीक है? तो इसको जानने के लिए एक टर्म में आपको डिफाइन करना पड़ेगा, पहले ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता इंग्लिश में इसको हीट कैपेसिटी बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होती है इसको आप डिफाइन कीजिए कि किसी वस्तु के तापक्रम को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, यानी वस्तु के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए उसको जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं, उस वस्तु की, याद रखिएगा यहां पे ना पदार्थ नहीं बोल रहा हूं, मैं वस्तु बोल रहा हूं, ठीक है? उस वस्तु की ऊष्माधारिता यानी हीट कैपेसिटी बोलते हैं। अब देखिए, मान लीजिए एक वस्तु है, वस्तु कुछ भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल ग्लास में पानी भरा हुआ है, 5 लीटर 10 लीटर 15 लीटर कितना भी पानी है, इसको एक सिंगल वस्तु आप कंसिडर करेंगे। इसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आपको, लेट्स से ऐसे पानी का निश्चित होता है, मैं इमेजिनरी केस ले रहा हूं, डेटा पे ध्यान मत दीजिएगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस करने के लिए मान लीजिए कि 4000 जूल ऊष्मा देनी पड़ती है, चलिए 40000 जूल ऊष्मा देनी पड़ती है, ओके? तो ये बताइए कि इस वस्तु को
का तापमान हमने कितने से बढ़ाया, 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया, और इसके लिए क्या करना पड़ता है, ऊष्मा देना पड़ता है, बिना ऊष्मा दिए आप तापमान नहीं बढ़ा सकते, तो ऊष्मा देना पड़ा 40,000 जूल, तो तापमान हमने 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया 20 से 25, राइट। आप इसको कैलोरी में भी लिख सकते हैं, कैलोरी में क्या हो जाएगा, तापमान में परिवर्तन है डेल्टा टी इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, चीजों को याद रखा कीजिए, और आपके लिए वीडियो क्लासेस में सुविधा है कि आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। आप ऑफलाइन क्लासेस में, मैं बढ़ा के चला गया, बात खत्म, आपको नोट्स रिवाइज करना पड़ेगा, अगर आप नोट्स बनाते तो अच्छा है, और वीडियो में आप जितनी बार भी देख सकते हैं, प्लीज इसका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, आपके पास वीडियो रिकॉर्डेड रह जाता है, उसको बार बार देखिए। तो जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि तापमान में परिवर्तन जो है उसको जो सेल्सियस में मान होता है उसका वही केल्विन में भी होता है, क्यों होता है ये भी मैंने समझाया था, अगर आप भूल गए याद नहीं आ रहा तो श्योरली पिछली वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप केल्विन में भी कीजिएगा तो तापमान में वो 5 केल्विन ही आएगा, जहां भी तापमान में परिवर्तन होगा वहां आप फ्री है कि सेल्सियस भी यूज कर सकते हैं, केल्विन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां भी तापमान में परिवर्तन है तो आप 5 केल्विन भी लिख सकते हैं, तो 5 केल्विन से तापक्रम को बदलने के लिए, बढ़ाने के लिए 40,000 जूल ऊष्मा की आवश्यकता है। तो आप 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए या फिर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, 40,000/5 यानी कि 8,000 जूल प्रति, ठीक है। ये कोई मान लीजिए कि हमने इमेजिनरी पदार्थ वस्तु ली, ठीक है, तो इस प्रकार से एक फॉर्मूला आपको मिल जाता है, क्या फॉर्मूला मिल जाता है कि तापमान को डेल्टा टी से बढ़ाने के लिए लेट्स से हमें डेल्टा क्यू ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, डेल्टा टी से बढ़ाने के लिए, तो 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए कितने ऊष्मा की आवश्यकता होगी, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी, और 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए जितने ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी को बोलते हैं ऊष्मा धारिता, हीट कैपेसिटी, तो हीट कैपेसिटी को कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, कितना हो जाएगा डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी। ध्यान दीजिएगा यहां पे ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ऐसा ही मात्रक हो जाएगा जूल प्रति केल्विन, करेक्ट, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक और पद पे जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे ही आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा, यह है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हिंदी में विशिष्ट ऊष्माधारिता बोलते हैं, और कहीं कहीं पर इनफैक्ट ज्यादातर जगह पे आपको सिर्फ विशिष्ट ऊष्मा लिखा हुआ मिलेगा या फिर स्पेसिफिक हीट। ये क्या होता है, इसकी परिभाषा आप लिख भी लीजिए, मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, किसी, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि यहां पे वस्तु नहीं है पदार्थ है, किसी पदार्थ का तापमान एक डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, परिभाषा में मैं केल्विन लिख रहा हूं, 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए, एक मिनट, किसी पदार्थ के 1 केजी द्रव्यमान का टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी
कहते हैं। संस्कार टेक्निकल ऐप में आपको लाइव क्लासेस करने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है, तो उस टाइम आप पॉज करके डेफिनेशन लिख सकते हैं। ओके, ये हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन। ठीक है, अब हम लोग क्या इसके एक्सप्रेशन की तरफ पढ़ते हैं। देखिए, मान लीजिए एक वस्तु है जो किसी पदार्थ से बना हुआ है, उसका द्रव्यमान है m, उसका द्रव्यमान है m, और उसके तापक्रम को डेल्टा t से बढ़ाने के लिए हमें डेल्टा q ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे ज्यादा दिमाग मत लगाइए। मान लीजिए कि एक पदार्थ है जिसका हमने 5 kg दिया है, उसके तापक्रम को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए या फिर 10 केल्विन से बढ़ाने के लिए हमें 5000 जूल की ऊष्मा देनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पदार्थ का स्पेसिफिक हीट, जिसको कि स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, वहां पे जो हीट कैपेसिटी थी उसको कैपिटल एस से, और यहां पे जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। तो देखिए, एम द्रव्यमान लिया और तापक्रम को बढ़ाया डेल्टा टी से, तो उसके लिए हम लोग को कितना ऊष्मा चाहिए था, डेल्टा क्यू। अब ध्यान दीजिए कि यहां पर क्या करना है, स्पेसिफिक हीट के लिए क्या करना है कि 1 kg द्रव्यमान लेना है और तापक्रम को भी 1 केल्विन से बढ़ाना है। तो जब आप द्रव्यमान को 1 kg लीजिएगा और तापक्रम को 1 केल्विन से बढ़ाइएगा, तो आपको कितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी, एक एक नियम, क्योंकि m kg के लिए इतना है तो 1 kg के लिए आपको m से भाग देना पड़ेगा, और डेल्टा t के लिए इतना है तो 1 केल्विन के लिए आपको डेल्टा t से भी भाग देना पड़ेगा, दोनों से आपको भाग देना पड़ेगा। तो इससे ये जो मिला आपको ऊष्मा की मात्रा, उसी को बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। यहां से आप विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट का मात्रक लिख सकते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा ऊष्मा है ये, इसका जूल, और ये द्रव्यमान है तो प्रति केजी, क्योंकि नीचे है ना, ऊपर ले आएंगे तो पावर माइनस वन हो जाएगा, और प्रति केल्विन। ठीक है, और इससे एक और फॉर्मूला मिल जाता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, इससे न्यूमेरिकल बनता है, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये ऐसा ही मात्रक है, एक अन्य मात्रक होता है विशिष्ट ऊष्मा का, वो होता है कैलोरी प्रति ग्राम प्रति कैलोरी। न्यूमेरिकल्स में ना ये वाला ज्यादा यूज होगा। अब इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है, इसको मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा देता हूं। देखिए, दिया हुआ है कि 100 ग्राम जल का तापक्रम, 100 ग्राम जल का तापक्रम 5 डिग्री सेल्सियस से या फिर 5 केल्विन से बढ़ाने के लिए, जल है यहां पे, 100 ग्राम जल का तापक्रम 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए 500 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी, क्या कीजिए आप, ऊष्मा कितना है मैंने बोला 500 कैलोरी, उसको भाग दे दीजिए यहां 100 और गुणे द्रव्यमान, अच्छा ये द्रव्यमान ही 100 है, इनटू तापमान में परिवर्तन, तो जैसा कि तापमान में परिवर्तन सेल्सियस और केल्विन में सेम ही आता है, तो 5 ही होगा, केल्विन रखेंगे तो भी। ओके, ये कितना आ गया, ये आ गया 1
कैलोरी प्रति ग्राम प्रति कैलोरी, वन। तो कितना स्पेशल नंबर है, वन, और बर्फ का होता है 0.5। इसीलिए ये वाला यूनिट यूज किया जाता है न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि सिंपल हो जाता है कैलकुलेशन, ना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। तो जो विशिष्ट ऊष्मा है वो याद रखिएगा, जल का होता है 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति केल्विन और बर्फ का होता है 0.5, जल का एक और बर्फ का आधा। वाटर और बर्फ के लिए बर्फ का आइस लिख रहा हूं, 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति। अब आपका काम क्या है कि इसको आपको एसआई यूनिट में बदलना है। किसको एसआई यूनिट में बदलना है? जो बर्फ और जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, उसको आपको एसआई यूनिट में बदलना है। यानी कि जल की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति केल्विन है, इसको आपको चेंज करना है जूल प्रति केजी प्रति केल्विन में। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और बर्फ का कितना है? 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति केल्विन, इसको भी आपको जूल प्रति केजी प्रति केल्विन में बदलना है। तो इन दोनों का आंसर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, और ये याद रखने वाला भी है। ओके, अब हम लोग का ये हो गया तापमान में परिवर्तन। अब हम लोग जल्दी जल्दी अवस्था में परिवर्तन की बात कर लेते हैं। देखिए, बर्फ ले लिया हमने फॉर एग्जांपल, तो बर्फ का तापक्रम बहुत कम होता है, नेगेटिव में होता है, जीरो से भी कम। फिर आप क्या करते हैं, उसको गर्म करना शुरू कर देते हैं। गर्म करने से क्या होता है, धीरे धीरे उसके कणों की गति ऊर्जा बढ़ते जाती है और उससे तापक्रम बढ़ते जाता है, और फिर फाइनली बर्फ का तापक्रम पहुंच जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, बर्फ पिघल के पानी बनना शुरू हो जाता है, यानी ठोस से द्रव बनना शुरू हो जाता है, और इस दौरान तापमान का बढ़ना रुक जाता है। जो आप देख रहे थे कि बर्फ का तापक्रम -6 से -5, -5 से -4, -4 से करते करते -1, फिर -1 से 0 पहुंच गया, वो 0 पे रुक जाता है, उसके बाद टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद बर्फ पानी बनना शुरू हो जाता है। तो ये बताइए कि पानी और बर्फ में अंतर किस चीज का है? बर्फ के कण आपस में बहुत ताकत से जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि वो ठोस पदार्थ होता है, और पानी के जो कण है वो अपेक्षाकृत थोड़ा सा फ्री होते हैं, ठीक है, इधर उधर थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था ऊर्जा पढ़ाते समय कि जब किसी सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव होता है तो वो सिस्टम बंधा हुआ होता है, ठीक है, और जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी आप बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे वो फ्री होता जाता है। तो यही डिफरेंस है बर्फ और जल में, ठीक है, कि जो बर्फ है उसमें स्थिति ऊर्जा एकदम नेगेटिव होती है, और जल में भी नेगेटिव ही होती है लेकिन थोड़ा सा ज्यादा होती है। लेट्स से बर्फ के दो कण हैं, एक्चुअली तो H2O ही होता है, उसके बीच की अगर स्थिति ऊर्जा -6 है तो जब वो पानी में बदला तो बढ़ करके -1 हो गया, ठीक है, कुछ इस तरह की चीज होती है। जीरो कब होगा? जीरो तब होगा जब वो गैस में बदल जाएगा। गैस के कणों की स्थिति ऊर्जा जीरो होती है क्योंकि वो एकदम फ्री होता है, उसमें कोई भी आकर्षण बल कार्य नहीं करता है, गैस में कार्य आकर्षण बल नहीं करता। ओके, इसको ऊष्मा के टर्म्स में कहा जाता है, जिसको मैं यहां पे स्थिति ऊर्जा बोल रहा हूं ना, उसको ऊष्मा के टर्म्स में बोला जाता है गुप्त ऊष्मा, इंग्लिश में बोलते हैं लैटेंट। लैटेंट मीन्स होता है छिपा हुआ, गुप्त, ठीक है। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप बर्फ को गर्म कर रहे हैं, उस दौरान उसका टेम्परेचर, जब तक बर्फ पिघल रही है तब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस बना हुआ रहता है, तो आप जो ऊष्मा दे रहे हैं वो कहां जा रही है आपको पता नहीं चलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, ठीक है, लेटेंट हीट। और यहां से ही आपको मेरे उस क्वेश्चन का आंसर मिलता है।
जैसा कि मैंने बताया कि 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ का तापमान रुक जाता है और तब तक नहीं बढ़ता है कि जब तक कि सारा बर्फ पिघल के पानी न बन जाए, तब तक 0 डिग्री सेल्सियस ही बना रहता है। तो जो लड़का आइसक्रीम खा रहा है और आइसक्रीम पिघल रही है, तो पिघलती हुई आइसक्रीम का तापक्रम कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए आपको मापने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी ठोस जो है अपने मेल्टिंग पॉइंट पे ही पिघलता है, ठीक है। तो बर्फ पिघल रहा है तो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पिघल रहा होगा, और मेल्टिंग पॉइंट बर्फ का होता कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे कुछ चीज आप डिफाइन कर लीजिए, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक किसको बोलते हैं। तो वो टेम्परेचर, वो फिक्स्ड टेम्परेचर जिस पे कोई ठोस वस्तु पिघलती है, उसको बोलते हैं उस ठोस वस्तु का गलनांक। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो गलनांक होगा, फॉर एग्जाम्पल बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बर्फ पानी में बदलता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी बर्फ में बदलती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर ये दोनों क्रियाएं होती हैं, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर आप बर्फ को ऊष्मा दीजिएगा तो बर्फ पानी में बदलेगी, और 0 डिग्री सेल्सियस पर ही अगर पानी में से ऊष्मा निकालिएगा तो वो बर्फ में चेंज हो जाएगी, राइट। वही चीज खोलते समय द्रव के साथ होता है। जिस टेम्परेचर पर कोई द्रव खोल करके बॉइल होके गैस में बदलता है, उसको बोलते हैं उस द्रव का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल वाटर का, पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है कि पानी वाष्प में बदलता है, ठीक है। और 100 डिग्री सेल्सियस पर ही अगर वाष्प को ठंडा कीजिएगा तो वो पानी में बदल जाएगा। 101 पे ये प्रोसेस नहीं होगा, 100 पे होगा। अब हम लोग बात करते हैं ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के परिवर्तन की। ये जो मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है ना, वो फिक्स नहीं होता है, सिर्फ बर्फ का 0 डिग्री सेल्सियस होता है, अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। तो ये चेंज भी होता है। कैसे चेंज होता है? दो तरीके से चेंज किया जाता है। एक, अशुद्धि मिला के, कुछ इंप्योरिटी मिलाती है, फॉर एग्जाम्पल नमक। दूसरा तरीका है दाब को परिवर्तित करके। अब एक एक करके पढ़ेंगे दोनों द्वारा। पहले पढ़ेंगे अशुद्धि। अशुद्धि मिलाने से क्या होता है, जो बर्फ का गलनांक है वो कम हो जाता है। अब गलनांक कम हो जाएगा तो वो जल्दी गल जाएगा, ठीक है। इसी कारण क्या होता है कि जहां पर ज्यादा बर्फबारी होती है यूरोपियन क्षेत्रों में, तो आपने न्यूज में देखा होगा कि नमक का छिड़काव किया जाता है। नमक क्या होता है, बर्फ में घुल जाता है और फिर अशुद्धि मिल गई तो बर्फ का गलनांक कम हो जाता है, तो बर्फ जल्दी पिघल जाती है, ठीक है। दूसरा चीज होता है दाब। दाब का गलनांक में प्रभाव में आपको थोड़ी सी सावधानी की जरूरत पड़ेगी। देखिए, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो दाब के प्रभाव से दो तरह से चेंज होता है। दो प्रकार के ठोस होते हैं, देखिए सॉलिड पदार्थ दो तरह के होते हैं। एक जो पिघलने पर फैलते हैं, दूसरा जो पिघलने पर सिकुड़ते हैं। बर्फ क्या होता है, जब वो पिघलता है तो सिकुड़ता है। जब आप फ्रिज में पानी को डालते हैं तो बॉटल फुल नहीं करते हैं, थोड़ा सा खाली छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पानी जब जमेगा ना तो वो फैलेगा, जमेगा तो फैलेगा और पिघलेगा तो सिकुड़ेगा। तो वैसे ठोस जो पिघलने पर सिकुड़ते हैं और जमने पर फैलते हैं, जैसे कि बर्फ, ठीक है, उनका मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक दाब बढ़ाने से घटता है। यानी ऐसे ठोस जो पिघलने पर सिकुड़ते हैं जैसे कि बर्फ, उस पर आप प्रेशर बढ़ाइएगा तो जल्दी पिघल जाएगा। इसका आप एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट देखे होंगे कि बर्फ लीजिए और उसमें एक मजबूत धागा लीजिए और धागे को प्रेस करते हुए बर्फ से आर पार निकाल सकते हैं आप, वो आर पार निकल जाएगी और बर्फ जुड़ा हुआ रह जाएगा। क्योंकि जहां आप प्रेशर बढ़ाते हैं वहां बर्फ का गलनांक कम हो जाता है, वहां पे पिघल जाता है बर्फ, धागा नीचे निकल जाता है, फिर वापस से जम जाता है, ठीक है। दूसरा प्रकार का ठोस होता है जो पिघलने पर फैलता है, उसमें उल्टा होता है। उसमें अगर आप दाब बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ठोस का उदाहरण है मोम। ओके, तो यहां पर भी मैं एक क्वेश्चन देना चाहूंगा
मोम का गलनांक दाब बढ़ाने से ए घटता है, बी गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, सी स्थिर रहता है, डी निश्चित नहीं। तो यहां पर मैंने आपको हिंट्स पूरा दे दिया है, एग्जैक्ट आंसर मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट के परिवर्तन में। देखिए बॉइलिंग पॉइंट भी दो तरीके से बदलता है, एक दाब में परिवर्तन से और अशुद्धि मिलाने से। अशुद्धि मिलाने से लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और दाब के बढ़ाने से भी, प्रेशर के बढ़ाने से भी मेल्टिंग पॉइंट सॉरी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में क्या होता है, भाप बाहर नहीं निकल पाती है, भाप बाहर नहीं निकल पाती है, अंदर ही ट्रैप हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है और प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, अंदर जो पानी है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। नॉर्मल प्रेशर पर जो पानी है वो बॉइल करती है 100 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन कुकर के अंदर तो प्रेशर ज्यादा है इसलिए कुकर के अंदर जो पानी है वो ज्यादा टेम्परेचर पे बॉइल करती है। फॉर एग्जांपल 105, 106, 110 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करेगी, उससे क्या होगा, अंदर गर्मी ज्यादा होगी, खाना जल्दी पकेगा। इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है और इसलिए उसका नाम भी क्या है, प्रेशर कुकर, है ना। और अशुद्धि से कैसे चेंज होता है, तो अशुद्धि में क्या होता है, जितना ज्यादा आप अशुद्धि मिलाइएगा उतना क्वथनांक यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ेगा, ठीक है। अशुद्धि मिलाने से भी क्वथनांक बढ़ता है। इसके अलावा देखिएगा कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पेस में अगर आप पानी के ढक्कन की बोतल, अंतरिक्ष में पानी के बोतल के ढक्कन खोलते हैं तो क्या होगा। तो ऑप्शन कुछ भी रहे, आपका ऑप्शन कुछ दिया हुआ रहेगा कंफ्यूजिंग, आंसर होगा खोलने लगेगा, क्योंकि स्पेस में क्या होता है, वायुमंडल है नहीं, एटमॉस्फेयर नहीं है, तो कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी नहीं है। जब प्रेशर बिल्कुल नहीं है तो वहां पे क्या होता है, उसी टेम्परेचर पर, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो उसमें ही पानी बॉयल करने लगे, क्योंकि प्रेशर के कम होने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। पहाड़ों पर आप जाएंगे तो ऊंचाई पे जाने से भी प्रेशर कम होता है, तो वहां पर भी पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है, यानी कम ही टेम्परेचर पे पानी खोलने लगती है तो वहां पे खाना बनाना मुश्किल होता है। पहाड़ों पर अगर आप पिकनिक बनाने कभी जाएंगे तो वहां खाना बनाना बहुत मुश्किल होगा, प्रेशर कुकर ले जाएंगे तो काम हो जाएगा। तो ये हो गया गलनांक और क्वथनांक से रिलेटेड क्वेश्चन। यहां पर एक लास्ट टॉपिक बच गया, वो मैं क्लियर कर देता हूं, गुप्त ऊष्मा, ठीक है। गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मैंने क्या बताया कि जब आप किसी पदार्थ की अवस्था को बदलते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल ठोस से द्रव में बदलते हैं या द्रव से गैस में बदलते हैं, तो उस टाइम जो ऊष्मा आप देते हैं उसे टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, वो पदार्थ के कणों की स्थितिज ऊर्जा को बढ़ाने में खर्च हो जाती है, उस ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं गुप्त ऊष्मा, ठीक है। तो गुप्त ऊष्मा यहां पर लिख लीजिए, गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट एक केजी पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट कहते हैं। तो यहां पे भी दो तरह का हो जाता है, एक होता है
संगलन की गुप्त ऊष्मा, संगलन की गुप्त ऊष्मा इंग्लिश में बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एल एफ से इसको डिनोट किया जाता है। दूसरा होता है लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग। यहां से दो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि बर्फ की जो संगलन की गुप्त ऊष्मा होती है यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस वो होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ये ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट हो जाएगा आपका जूल प्रति केजी, इसको भी आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। ओके, वाटर का होता है 540 कैलोरी प्रति ग्राम, पानी के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा। ओके, तो आज का लास्ट टॉपिक बता दे रहा हूं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि दाब के बदलने से क्वथनांक और गलनांक बदलता रहता है, तो एक ऐसा भी पॉइंट आपको मिलता है जहां पर क्वथनांक और गलनांक एक ही हो जाता है। मतलब कि ऐसा टेम्परेचर और प्रेशर जहां पर मान लीजिए पानी है, तो वो पानी में की अवस्था में भी रह सकता है, बर्फ भी रह सकता है और वाष्प भी रह सकता है। ऐसे पॉइंट को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट या त्रिक बिंदु। पानी का ट्रिपल पॉइंट होता है 273.16 केल्विन तापक्रम और 6.11 × 10⁻³ पास्कल, यानी इतना प्रेशर और इतना टेम्परेचर पर पानी द्रव अवस्था में और बर्फ और वाष्प तीनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, तीनों रह सकते हैं, ठीक है। इस टेम्परेचर और इस प्रेशर को बोलते हैं पानी का ट्रिपल पॉइंट। ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अगले क्लास में मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी बता दूंगा और आगे की टॉपिक क्लियर करूंगा। इस वीडियो में